नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए क्लास 11 केमिस्ट्री के पेपर का फुल सोल्यूशन। तो आपके केमिस्ट्री के पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सीजीएम क्लोराइड सीएस में सीएस प्लस के आयनिक समन्वय 8 है तो माइनस सीएल में कितनी होगी, तो किसमें उतनी होगी 8। इसके बाद देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, षटकोणी क्रिस्टल का उदाहरण क्या है, हीरा। हीरा षटकोणी क्रिस्टल का उदाहरण है। मोम, मोम किस चीज़ का उदाहरण है, मोम है अक्रिस्टली ठोस का। मोम किस चीज़ का उदाहरण है, अक्रिस्टली ठोस का। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, एक अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए पांचवा, सम चतुष्फल की समिति में त्रिज्याओं का अनुपात कितना होता है, 0.155। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, एक ऋणायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 27 है तो उसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 27। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउट नेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकेंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 IIT JEE मेंस, CBSE बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8 400 400 400। हाइड्रोजन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एन बराबर 3 के लिए मान, 1 के लिए मान, 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। एफ उपकोश में कक्षाओं की संख्या होती है, एफ उपकोश में कक्षाओं की संख्या होती है, कितनी होती है, 7। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर अगला है, द्विगंशी क्वांटम संख्याओं वाले उपकोषों में कुल कक्षाएं कितनी होती हैं, तो द्विगंशम क्वांटम संख्याओं में उपकोषों की संख्या कितनी होती है, 2L+1। मुख्य क्वांटम संख्या n=3 से संबंधित कक्षाओं में कुल संख्याएं कितनी होंगी, कुल कक्षाएं कितनी होंगी, छः। n=2 के लिए SPDF के संकेत क्या होंगे, (2s2)। एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटॉन का उपयोग करके किस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसकी स्थिति अनिश्चितता किस समीकरण द्वारा ज्ञात की जाती है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार। इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु n=5 अवस्था से n=2 संकरण द्वारा उत्सर्जित प्रोटॉन की आवृत्ति समीकरण ज्ञात कीजिए, तो क्या होता है, v=E/λ। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है,
गति कर रहे कण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। गति कर रहे तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सी अपॉन वी। इन तत्वों में किसका आयनन विभव सर्वाधिक होता है? आयनन विभव सर्वाधिक एफ का होता है। इन तत्वों में कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है? ऋण विद्युतीय सबसे अधिक तत्व कौन सा? फ्लोरीन। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ ऋण विद्युतीय गुण में वृद्धि होती है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे कम होती है? तो किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे कम होती है? बी प्लस प्लस की। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं में किसी निष्क्रिय गैस के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? H2P6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होगा? निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होगा? ए प्लस 3। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रबल अपचायक है? तो प्रबल अपचायक क्या है? Cl, Sf। निम्न में किसका आयनन विभव सर्वोच्च होगा? निम्न में सबसे ज़्यादा आयनन विभव किसका होता है? Mg का। एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाएगा? तो किस समूह में रखा जाएगा? दूसरे में। किस में? दूसरे में। तत्वों का आयनन विभव आवर्त सारणी के वर्ग पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनता है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से क्या बनता है? साम्य पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है अल्फा। NaCl जली विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड लुईस क्षार बनाता है। निम्न में से पीएच मान उच्चतम है, सबसे ज्यादा पीएच मान किसका होता है? CH3COOH। आर हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि किसी जलीय विलयन में पीएच मान शून्य हो तो वह विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, N2 2H2 2NH3 के लिए होगी, क्या होगी? लीटर प्रति मोल इनवर्स। ड्यूटेरियम की खोज किसने की थी? टेलर ने की थी। किसने की थी? टेलर ने। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा है? कोई नहीं। सबसे अधिक क्रियाशील कौन से है? कौन सा? नवरात्र
नवजात हाइड्रोजन निम्न में हाइड्राइड हाइड्रोलिक कहलाता है। हाइड्रा हाइड्रोलिक क्या कहलाता है? NaH। जल की कठोरता इनमें उपस्थित होती है। भारी जल का अणु भार कितना होता है? 1000 रिएक्टर में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद भारी जल प्राप्त किया जाता है, तो भारी जल कैसे प्राप्त किया जाता है? जल के प्रभाजी आयतन द्वारा। रॉकेट के लिए नोदक का कार्य करती है N2+O2। अभिकारक जो जल की कठोरता ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। अभिकारक जो जल की कठोरता ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। क्षार धातु संबंधित है। क्षार धातु किससे संबंधित है? एस ब्लॉक से। सोडियम तत्व को किसमें रखा गया है? टालुइन में। सबसे कम क्षारी धातु कौन सी है? बेरियम। निम्न में उच्च घनत्व होता है। उच्च घनत्व किसका होता है? कैल्शियम का। किस धातु का गलनांक न्यूनतम है? सोडियम का। क्षारीय मृदा धातु कार्बोनेट ताप के प्रति सबसे अधिक स्थायी होती हैं। कौन सी स्थायी होती हैं सबसे अधिक? MgCO3। तो सबसे स्थायी क्या है? CaCO3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। क्षार धातु जिसकी जल योजन ऊर्जा अधिकतम होती है किसकी होती है? Rb की। CaCN2 व C के मिश्रण को कहते हैं। CaCN2 व C के मिश्रण को क्या कहते हैं? आइसलैंड स्पॉट। इसके बाद दसवां, क्षारीय मृदा धातुओं का कौन सा परमाणु क्रमांक बढ़ाने के साथ बढ़ता है? आयनन ऊर्जा। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है। इनमें से कौन लुईस अम्ल है? इनमें से कौन लुईस अम्ल है? तो लुईस अम्ल कौन है? AlCl3। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं? तो कौन से ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं? Al2O3। इसके बाद नेक्स्ट है, समूह बी की आयनन एंथैल्पी तो सही क्रम दर्शाइए। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। समानता सर्वाधिक उपयोग में आने वाला उपापचय कौन सा है? AlCl3। अर्धचालक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? लेड का। समूह 14 के तत्वों के संयोजकता को सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। भू प्रॉपर्टी में बहुतुल्य में पाया जाता है क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है? C6H12। निम्नलिखित में से सर्वाधिक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है किसमें पाया जाता है? SI में।
निम्नलिखित में से किस तत्व के तंतुओं का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कार्बन में निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण अवस्था नहीं होती है? कौन सी नहीं होती है? SPD3-1। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? SP2 और SP3। नेक्स्ट है इसका, देख लीजिए। CH3Cl में कार्बन की संक्रमण अवस्था कितनी होगी? कार्बन की संक्रमण अवस्था कितनी होगी? SP3। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल एल्कोहल। CHCl3 का सामान्य नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक मेथेन। CH3+ में कार्बन की संख्या होती है? SP2। इसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित योगमें से कौन सा बंधन ध्रुवीय है? कौन सा हो जाएगा? दूसरा। बेंजीन की सही संरचना होती है, तो बेंजीन की सही संरचना होती है दूसरा नंबर। मेथेन की संरचना की ज्यामिति किस प्रकार की होती है? मेथेन की संरचना की ज्यामिति त्रिकोणीय होती है। इसका IUPAC नेम हो जाएगा दो कोमा चार एथाइल मिथाइल हेक्सेन। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है, पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? CH3। इसका हो जाएगा सेकेंड नंबर। गैस बिल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोजन गैस होती कैसी होती है? एथेन। कैसी होती है? एथेन। इसके बाद नेक्स्ट है, CH3CH=CH में IUPAC नाम क्या होगा? प्रोपीन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एसिटिलीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? C6H6 में किस प्रकार का संक्रमण है? C2H2 में किस प्रकार का संक्रमण है? C2H4 में किस प्रकार का संक्रमण है? एरोमेटिक कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। हकल नियम क्या है? किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है, यह वह परिवेश के रूप में विनिमय करता है। किसमें विनिमय करता है? द्रव व ऊर्जा में से किसी का नहीं, तो किसका करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव और ऊर्जा दोनों का। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से एंथैल्पी परिवर्तन सदैव धनात्मक होता है? विलयन की एंथैल्पी। एक बम कैलोरीमीटर द्वारा निम्न मापन होता है, किसका होता है? ऊष्मा गतिकी के नियम के अनुसार यदि गैसीय अभिक्रिया में अभिकर्मक उत्पादों के मूल्यों की संख्या
यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।